When we talk about the portfolio selection, time horizon is another important determinant that plays a very important role or a significant role in deciding or selecting the portfolio for an individual or an organization. So we when we are formulating a plan for portfolio selection, you have to see okay, for how long you are going to formulate this particular plan. Planning horizon is डिफाइंड एज अ टोटल लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच यू आर प्लानिंग तो इट कैन बी इट कैन बी वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू आर इन आप छः माह का प्लान बना रहे हैं या एक साल का प्लान बना रहे हैं या तीन साल का प्लान बना रहे हैं सो देर कुड बी अ वेरी लॉन्ग हराइजन यू आर एक्सपोज टू या शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर सकते हैं आप तो इट डिपेंड्स कि आप उमर के किस हिस्से में हैं और कितने अरसे के लिए आप अपना प्लान डिफाइन करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इफ़ देर इज़ एन इंडिविजुअल जो कि 85 फाइव ईयर्स का है उसके छोटे प्लान होंगे जो कोई यंग इंसान है जिसने अभी रिसेंटली ग्रेजुएट किया है ही माइट प्लान फॉर हिज इंटायर वर्क लाइफ पूरे ज़िंदगी जो उसने काम करना है साठ साल का होने तक उसके लिए वो प्लान कर सकता है तो इट डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ थिंग्स कि आप कि ड्यूरेशन ऑफ द प्लान क्या है सो दैट इज बेसिकली डिफाइंड एज और टर्म्ड एज द टाइम हराइजन वेन वी आर लुकिंग एट डिफरेंट एस्पेक्ट्स तो हम उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं कि हमारा जो टाइम पीरियड का uh, कितना डिसशन uh, होराइज़न है तो डिसीशन होराइज़न इज कंसिडर्ड के ओवरऑल आपने कब रिवाइज uh, करनी है अपनी प्लानिंग को सो इफ यू हैव अ टाइम प्लान फॉर टेन ईयर्स यू कैन फिक्स अ डिसशन हरइजन ऑफ सिक्स मंथ्स के ये जो मैंने दस साल का प्लान बनाया है हर छः माह के बाद या हर एक साल के ख़त्म होने होने के बाद जब दिसंबर आएगा तो मैं अपने प्लान को जो दस साल का प्लान है उसको रिवाइज करने वाला हूँ तो देर कुड बी दर टोटल टाइम हॉराइजन फॉर अ प्लान एंड देन देर इज अ डिसशन हरइजन ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है डिसशन हराइजन का मतलब है कि तो, टोटल टाइम टोटल प्लानिंग जिस टाइम पीरियड के लिए आपने की है उसमें आपने डिफाइन कराया फ्रीक्वेंसी के इतने टाइम पीरियड के गुजर जाने के बाद रेगुलर इंटरवल्स के बाद हम अपने डिसीशन को रिव्यू या रिवाइज करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो इसेंशियल। पीपल गो फॉर द टाइम होराइजन एंड देन दे गो फॉर द डिसीजन होराइजन एज वेल नाउ देर इज़ रिलेटेड अदर रिलेटेड वी नीड टू अंडरस्टैंड अगर आपका कोई भी फैसला आपके फ्यूचर में होने वाली चीज़ों पे डिपेंड करता है आप फोर्स ही करें कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा और हम इसको इस तरह से हैंडल करने वाले हैं या इसको ऐसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे या इस तरह से प्लान करने वाले हैं तो इफ़ वी आर टेकिंग एनी डिसीशंस वे आर फ्यूचर हैपनिंग्स आर इन्वॉल्व और आप बोल रहे हैं कि फ्यूचर में हम इस किस्म का काम करने जा रहे हैं अगर ऐसे 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 काम होगा तो उस पर्टिकुलर फ़ैसलों को या डिसीशंस को हम स्ट्रैटी बोलते हैं तो हमने इस पर्टिकुलर सेशन में तीन मेजर हेडिंग्स को डिस्कस किया है कि वी कैन हैव अ टाइम होराइजन जो कि डिसाइड करता है कि आपका प्लान कितने ड्यूरेशन का होगा देन वी डिसाइड देन वी टॉक्ड अबाउट द डिसन होराइजन कि आप डिफाइन करते हो कि एक फैसला कब रिवाइज़ होगा कब हम अपने तमाम जो प्लानिंग है उसको रिवाइज़ करेंगे आप उसके लिए कोई फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर लेते हैं जिसको हमने डिसीजन हराइजन का नाम दिया और फिर मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटजी उस पर्टिकुलर डिसीजन को कहते हैं जहां कोई भी फ्यूचर हैपनिंग्स इन्वॉल्व है तो आप बोल रहे हो कि ये मेरा स्ट्रेटजी है कि अगर हमें इतने रेवेन्यूज जनरेट करने हैं दो साल के बाद या इतना इन्वेस्टमेंट Uh, इतना मुझे द, पैसा दरकार है दो साल के बाद पाँच साल के बाद एक घर खरीदने के लिए एक गाड़ी खरीदने के लिए उसके लिए मुझे बीस लाख चाहिए या एक करोड़ रुपया चाहिए एक्स्ट्रा अमाउंट uh, तो और अगर आप फ्यूचर के लिए कोई भी चीज़ डिसीशन हैं तो उन डिसीशंस को हम स्ट्रेटजी बोलते हैं तो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच आर टू बी कंसिडर्ड वैन वी आर डिफाइनिंग और डेवेलपिंग द पोर्टफोलियो सेलेक्शन प्रोसेस